तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में गाइस आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जब भी आप डाउनलोड करने जाते हैं गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी एप्लीकेशन, तो आपको इस तरीके से शो होता है। यहाँ पर लिखा रहता है एरर डाउनलोडिंग गूगल ट्रांसलेट, देयर इज इनसफिशियंट स्पेस ऑन द डिवाइस। तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको प्ले स्टोर लिख के सर्च कर लेना है। तो प्ले स्टोर लिखने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को फोर्स स्टॉप कर लेना है। तो गूगल प्ले स्टोर को फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है। तो जैसे ही आप क्लियर डाटा करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन कभी कभी फिर से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा यूसेज करके। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए, मोबाइल डाटा को ओके कर दीजिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।